अब देखो, हमने तुमको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड किया था कि जिसकी मदद से तुम लोग अपने इंजेक्टर को रूट इंजेक्टर बना सकते थे, लेकिन उस वाले मेथड से बने हुए इंजेक्टर को तुम सिर्फ अपने नॉन रूट डिवाइस के अंदर रन करवा पाओगे, बोले तो वर्चुअल के अंदर। एंड जो तुम्हारा रूटेड डिवाइस रहेगा उसके अंदर वो वाला वर्चुअल वर्क नहीं करेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम तुमको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिसकी मदद से तुम लोग अपने इंजेक्टर को रूटेड डिवाइस के अंदर भी वर्क करवा सकते हो, और एक और ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिसकी मदद से तुम लोग अपने इंजेक्टर को रूटेड डिवाइस और नॉन रूट डिवाइस बोले तो वर्चुअल के अंदर दोनों में वर्क करवा सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर डालो। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमने अपने एक इंजेक्टर के प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है, और इस जगह पे जिस कोडिंग का प्रयोग किया जा रहा है उसकी मदद से हम लोग अपने इंजेक्टर को नॉन रूट डिवाइस के अंदर रन करवाते हैं, बोले तो वर्चुअल के अंदर। अब अगर तुमको अपने इंजेक्टर को रूटेड डिवाइस के अंदर रन करवाना है तो तुम्हें आ जाना है अपने मेमोरी डॉट लुआ के अंदर, या तो जिस नाम से तुमने अपना ये लुआ फाइल बनाया होगा जिसके अंदर तुम्हारी सीपीपी की कोडिंग लिखी हुई है, उस फाइल के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो एक मिलेगा ओएस एग्जीक्यूट, एंड उसके आगे लिखा रहेगा chmod777। तो अगर तुम लोग अपने इंजेक्टर के अंदर सीपीपी फाइल रन करवा रहे हो तो ये कोड तुम्हारे इंजेक्टर के इस वाले फाइल के अंदर जरूर होगा। तो इसी जगह पे तुम्हें आना है chmod777 वाले कोडिंग लाइन पे। तो और यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें देखो ये जो chmod777 लिखा रहेगा इसी के आगे अपना पॉइंटर लेकर जाना है, इस तरीके से अपना पॉइंटर इसके आगे सेम टू सेम ऐसा लेकर जाओ। एंड यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा जो कि कोड रहेगा su-c। तो यहाँ पे su उसके बाद एक स्पेस लगाना है, स्पेस के बाद -c, तो ये वाला माइनस का साइन, उसके बाद c लगा देना है। c लगाने के बाद फिर से स्पेस। अभी देखो यहाँ पे दो दो माइनस लग चुका है, तो एक माइनस को तुम्हें सिंपल से इस तरीके से हटा देना है। अब यहाँ देख लो हमारी su-c वाली कोडिंग पूरी होती है। अभी तुम्हें यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मिलेगा रन टाइम वाला, यहाँ देखो उसी के नीचे रन टाइम की एक लाइन मिलेगी। तो इसके आगे देखो यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट है जो क्लोज है, मतलब ब्रैकेट जो है लगा है ब्रैकेट, उसके बाद तुरंत ही क्लोज हो गया है। तो इन्हीं दो बोले तो कॉमा के बीच में ये जो दो कॉमा मिलेंगे ना, तो इन दोनों कॉमा के बीच में तुम्हें वही चीज़ सेम टू सेम फिर से लिखना होगा, क्या su-c। तो su उसके बाद स्पेस, फिर से माइनस, उसके बाद सी, और उसके बाद फिर से स्पेस, ठीक है। लास्ट में स्पेस जरूर लगा देना, स्पेस नहीं लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा। देन यहाँ पे देख लो डबल माइनस लगा है, तो एक माइनस हटा देना है। अब यहाँ पे अभी के टाइम पे हमारा जो इंजेक्टर है ये बोले तो बन चुका है रूटेड डिवाइस के लिए। अभी तुम लोग पूछोगे कि ये su क्या है और ये -c क्या है, तो ये भी हम तुमको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पे SU का मतलब ये होता है कि अगर तुम लोग देखो थोड़ा बहुत रूट डिवाइस के अंदर मतलब जानकारी होगी तुम्हारे पास, बोले तो रूट डिवाइस, या जब तुम लोग किसी डिवाइस को रूट करते हो तो तुम्हें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है जो कि रहता है सुपर यूज़र, और उसका जो सिंबल रहता है वो ऐसा हैश डैश वाला ये वाला सिंबल रहता है ये वाला। तो यही जो हैश डैश वाला सिंबल है इसका एक कोड होता है SU मतलब शॉर्ट फॉर्म नेम है, बोले तो इसको बोलते हैं सुपर यूज़र। तो वही है सुपर यूज़र की परमिशन हम लोग इसको अपने इंजेक्टर को ग्रांट करवाएंगे। तो वही हम लोग कोडिंग यहाँ पे एक छोटा सा दो लाइन का कोड यहाँ पे लिख दिया है हमने। अब ये जो इंजेक्टर है हमारा ये बोले तो पूरी तरीके से बन चुका है हमारा रूटेड डिवाइस के लिए इंजेक्टर। लेकिन देखो जो पुराना वाला इंजेक्टर था, पुराने वाली वीडियो का जो मेथड था उसके अंदर हमने तुमको बताया था कि बोले तो जो हमने मतलब जो इंजेक्टर तुम्हें बनाना सिखाया था उसके अंदर जो इंजेक्टर था वो मतलब बोले तो वर्चुअल के अंदर वर्क कर रहा था और रूट डिवाइस के अंदर नहीं वर्क कर रहा था। और ये वाला जो इंजेक्टर रहेगा ये रूट डिवाइस के अंदर वर्क करेगा और वर्चुअल के अंदर वर्क नहीं करेगा। तो अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या चूतियापा है यार, हम लोग क्या दो दो इंजेक्टर थोड़ी बनाएंगे कि एक रूट डिवाइस के लिए एक नॉन रूट डिवाइस के लिए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम तुमको एक चीज़ और बताते हैं जिसकी मदद से तुम लोग दोनों कोडिंग को एक साथ यूज़ करोगे और एक ही इंजेक्टर के अंदर तुम्हारा रूटेड डिवाइस का भी कोडिंग रहेगा और नॉन रूट का भी रहेगा, बोले तो वर्चुअल का कोडिंग, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए तुम्हें आ जाना है सिंपल से अपने एम्प्टी मैनेजर के अंदर, और एक कोडिंग का लिंक तुमको देंगे तो वो जाके कोडिंग को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड कर लेने के बाद अपने एम्प्टी मैनेजर में आओगे तुम लोग तो ये कोडिंग तुम लोग को मिलेगा देखने को, इंजेक्टर कोड 21, ठीक है। तो ये तुम लोग डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड कर लेने के बाद इसके अंदर आना है। अभी इसके अंदर आ जाने के बाद सबसे नीचे चले आना है। तो सबसे नीचे आ जाने के बाद तुम्हें देखो यहाँ पे एक न्यू कोडिंग देखने को इसके अंदर मिल जाएगी, बोले तो रूट प्लस नॉन रूट एंड लुआ इंजेक्टर कोडिंग। तो तुम्हें देखो यहाँ पे एक कोडिंग मिलेगी ये वाली, देखो लोकल से लेकर के एंड ENDE, और इसके ऊपर देखो ये जो ये वाली कोडिंग लिखी है ना फंक्शन और ENDE, तो इसको हमने इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे है और ये जो ENDE है, तो ये फंक्शन और ENDE ये रहा, देखो ये लिखा है ना फंक्शन MRD या कुछ भी करके। तो इसके आगे देखो ये कोडिंग को ऐसा नीचे करते हैं, पहले तुमको समझाने के लिए इसको नीचे कर देते हैं। हाँ देखो, तो ये जो बीच वाली कोडिंग, ये अभी इतनी कोडिंग बची है, तो इस कोडिंग को हटा करके तुम्हें ये वाली कोडिंग को, बोले तो ये वाली कोडिंग को उसको डालना है, वो भी कहाँ पर
डालना है इन दोनों के बीच में, ये फंक्शन के बीच में और ये ई एन डी, इन दोनों के बीच में ये न्यू वाली कोडिंग पेस्ट करना है। तो इसीलिए हमने तुमको लोग को बोले तो समझाने के लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो तुम्हें सिर्फ ये लोकल से लेकर के एंड ई एन डी तक इतना कॉपी कर लेना है। तो इसको पहले जूम इन कर देते हैं पहले। हाँ देखो, लोकल से लेकर के इतना, ठीक है, आँख होकर एकदम अच्छे से खोल लो, इतना ही सिर्फ कॉपी करना, एक्स्ट्रा कॉपी मत कर लेना। अब इतना कॉपी करो और कॉपी कर लेने के बाद इधर साइड वापस आना है। अभी तुम लोग बोलोगे कि यार ये तो कॉपी पेस्ट करना बता रहे हो तुम, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी समझा देंगे हम अच्छे से। तो देखो हमने उसको कॉपी कर लिया है। अब कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे ये जो लोकल से लेकर के एंड इतना तक लिखा है ना, तो तुम्हें ये इसको ऐसा सिलेक्ट करना है। अरे इतना नहीं, इसको नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा MRD वाला ये वाला कोड है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन जब रन होता है तो ये जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट लिख कर आता है ना, तो इसको जो कलरिंग हम लोग देते हैं ना, मतलब एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का जो कलर होता है, रेड या ब्लू जो भी आता है, तो वो कलरिंग का ये कोड है। तो इसको नहीं हटाना है। अगर इसको हटा दोगे तो फंक्शन रन तो होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाँ रन हो गया कि नहीं हुआ, मतलब नीचे कुछ लिख करके नहीं आएगा, ना एक्टिवेट ना डीएक्टिवेट। तो ये हमारा फंक्शन का कोड था, जो कि रंग बोले तो उसके अंदर कलर डालता है टेक्स्ट के अंदर। तो इसको छोड़ करके यहाँ देख लो, एक मिलेगा लोकल और ये जो SU-CDIR जो कि हमने अभी लिखा था, ठीक है। तो ये ऐसा इतना ऐसा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर लेने के बाद इतना इसको हटा देना है इतना, ठीक है, इतना हट गया। अभी इसको कर देते हैं, हाँ इतना हट चुका है। अब हमारा ये देखो यहाँ पे एक फंक्शन का ये कोड बचा है और END का बचा था। तो हमने जैसा कि यहाँ देख लो लिखा हुआ है कि फंक्शन और END इन दोनों के बीच में इतना कोडिंग पेस्ट करना है। तो हमने ये कोडिंग पहले से ही ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है और ये हमारा फंक्शन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसको अगर हटा देंगे तो हमारा एक्टिवेट और डीएक्टिवेट लिख करके नहीं आएगा। तो उसको रहने देना है, बाकी तुम लोग हटा भी सकते हो, ऑप्शनल है। तो हमने वो वाला कोडिंग कॉपी किया है, अभी इसके और इसके बीच में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारी जो कोडिंग थी वो इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी। तो अभी हम तुम लोग को समझा भी देते हैं कि इसका क्या वर्क है और ये कैसे वर्किंग करता है। तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है लोकल DIR, ये तो हमारा बोले तो CPP फाइल जो रहती है उसको जो है उसकी डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए, मतलब डायरेक्टरी जो रहती है ना, मतलब फाइल का फोल्डर रहता है, उस फोल्डर को ये बोले तो यार उसको क्या बोलते हैं, रीड करने के लिए ये वाली कोडिंग है। अब तुम्हें ये लाइन समझ आ गई होगी कि लोकल डायरेक्टरी गेट लुआ DIR और CPP बोले तो ये हमारे फोल्डर का नेम है। तो यही फोल्डर का नेम बोले तो फाइल या CPP का नेम या फोल्डर है, ठीक है, इतना समझ जाओ। अब ये हमारा यहाँ पे इस कोडिंग का मतलब ये है कि ये हमारे CPP और फोल्डर को रीड करेगा, बोले तो गेट लुआ DIR उसको गेट करेगा। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्ट, उसके बाद एंड, यहाँ देख लो com.androlua until root until, ठीक है, जो भी लिखा है इसको समझ जाओ। तो ये रूट इंजेक्टर का जो भी फंक्शन रहता है उसको इम्पोर्ट करता है, मतलब रूट की जो कोडिंग है उसको इम्पोर्ट करेगा। अब ये इम्पोर्ट कर लेने के बाद यहाँ देख लो फिर से लिखा हुआ है लोकल रूट इज इक्वल टू रूट अंटिल, ठीक है। तो ये लिखा है मतलब रूट अगर रूट एक्सिस जो है वो रूट अंटिल रहेगा, बोले तो रूट एक्सिस अगर रूट के बराबर रहेगा, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल रूट एक्सिस इज इक्वल टू रूट, मतलब अगर रूट और रूट का जो कोडिंग है रूट इंजेक्टर की वो सेम रहेगी, तो यहाँ पे देखो यहाँ देख लो लिखा हुआ है इफ रूट हैव रूट, मतलब रूट डॉट हैव रूट, मतलब अगर यूजर के पास रूट एक्सिस है, यहाँ देख लो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुम लोग समझ जाओगे। इफ का मतलब होता है अगर यूजर के पास हैव रूट, मतलब यूजर के पास रूट है और ट्रू है, इज इक्वल टू ट्रू, मतलब रूट है, देन यहाँ देख लो लिखा हुआ है देन, तब यहाँ देख लो, अगर तुम लोग को हिंदी आती होगी तो समझ जाओगे कि बोले तो इफ हैव रूट, बोले तो अगर यूजर के पास रूट है उसके बाद देन लिखा है, देन का मतलब तो यहाँ पे देख लो तो का क्या मतलब है, यहाँ पे देख लो उसके बाद लिखा है बोले तो OS execute CSMO777, मतलब अगर रूट है तो उसके पास ये वाली कोडिंग रन हो जाएगी। और ये कौन सी कोडिंग है, ये वाली कोडिंग ये हमारी है रूटेड डिवाइस के लिए कोडिंग है। तो यहाँ देख लो अगर उसके पास यूज़र के पास रूट है तो मतलब रूट एक्सिस है, बोले तो उसने अगर अपने डिवाइस को रूट कर रखा है तो उसके पास ये वाली कोडिंग रन होगी, और जिसकी मदद से ये वाली कोडिंग रन होगी तो वो हमारा इंजेक्टर रन करेगा, तो उसकी जो CPP फाइल रहेगी वो रन हो जाएगी, उसको किसी वर्चुअल की यूज़ करना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद देख लो else लिखा है, तो else का मतलब रहता है अगर, मतलब उसके पास else का मतलब रहता है अगर ऊपर की कोडिंग नहीं काम करेगी तो ये नीचे की कोडिंग काम करेगी, और ऊपर की कोडिंग तब काम नहीं करेगी जब तुम्हारे पास रूट एक्सिस नहीं रहेगा, और रूट एक्सिस नहीं रहेगा तो तुम्हारी ये कोडिंग रन हो जाएगी, और ये वाली कोडिंग हमारी है वर्चुअल की कोडिंग। अब तुम लोग को अगर अच्छे से समझ आया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके देख लो बढ़िया से, हमने तुमको बता दिया है। एक बार और थोड़ा सा ब्रीफली समझा देते हैं,
कि देखो अगर यूज़र के पास हैव रूट का मतलब होता है कि अगर यूज़र के पास रूट एक्सेस है, उसने अपने डिवाइस को रूट कर रखा है, इज इक्वल टू ट्रू, मतलब हाँ उसने अपने डिवाइस को रूट कर रखा है, देन का मतलब होता है तब, तब मतलब देखो अगर उसने अपने डिवाइस को रूट कर रखा है देन ये वाली कोडिंग रन हो जाएगी, बोले तो chmod777su वाली सुपर यूज़र की कोडिंग रन हो जाएगी, और सुपर यूज़र की कोडिंग तब रन होगी अगर यूज़र ने अपने डिवाइस को रूट किया होगा, और ये कोडिंग रन होते ही तुम्हारी जो cpp फाइल या इंजेक्टर है वो रन हो जाएगा, बोले तो उसका जो भी बिना वर्चुअल के वो अपने इंजेक्टर को डायरेक्टली यूज़ कर सकेगा। एंड इसके नीचे देखो else लिखा है, और else का मतलब यही होता है कि अगर ऊपर की कोडिंग नहीं रन होगी तो नीचे की कोडिंग रन होगी, और ऊपर की कोडिंग तब रन नहीं होगी जब तो यूज़र का डिवाइस जो है वो रूट नहीं रहेगा, और ये कोडिंग रन होगी तो तुम्हारा ये कोडिंग रन होगी कहाँ पे, वर्चुअल के अंदर, तो तुम्हारा जो इंजेक्टर रहेगा वो नॉन रूट डिवाइस के अंदर वर्क हो जाएगा, बोले तो वर्चुअल के अंदर रन हो जाएगा। बाकी तुम लोग ये जो नीचे की कोडिंग है इसको चेंज वेंज कुछ नहीं करना है, इसको तुम लोग अपने हिसाब से जो भी cpp का नेम फोल्डर वो अपने हिसाब से डाल देना। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि cpp फाइल को कैसे अपने इंजेक्टर के अंदर रन कराते हैं, तो आई होप तुमको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा, जिस तरीके से मैंने तुम लोग को बताया वो बढ़िया से आ गया होगा। एंड अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमको जल्दी से जा करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर डालो। और देखो तुम लोग को ये वाली जो कोडिंग है इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो तुम लोग आ जाओ कमेंट बॉक्स में, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो तुम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम लोग को इसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। और तुम्हारा कोई भी अखंड प्राणी दोस्त हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, एंड बाय।